छात्रावास में निवासरत छात्रों ने अधीक्षक पर लगाए मारपीट, मनमानी तथा मानसिक प्रताड़ना के आरोप। जिला मुख्यालय बड़वानी पर स्थित शासकीय सीनियर बालक छात्रावास बड़वानी में अधीक्षक की मनमानी व छात्रों के साथ आए दिन मारपीट के चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रावास के छात्रों के साथ कार्यालय को घेरा और अधीक्षक को 3 दिन में निलंबित करने की मांग की। निलंबित नहीं करने पर कलेक्ट्रेट घेरने की भी चेतावनी दी। छात्रावास में निवासरत छात्रों ने छात्रावास अधीक्षक पर लगाए अनियमितता के आरोप। वहीं इस मामले को लेकर छात्रावास अधीक्षक सयाराम नरगावे का क्या है कहना, देखिए विशेष समाचार इस रिपोर्ट में। अच्छा, कौन से इसमें छात्रावास में निवास कर रहे हो? सीनियर छात्रावास में। कब से निवास कर रहे हो? 9th से निवास कर रहा हूँ मैं। आपके साथ क्या समस्या हुई थी? मेरे साथ में सर चोरी वोरी का इल्जाम लगा दिया, झूठे इल्जाम दारू वारू के लगा दिए थे। और उसके बाद में दारू वारू के बाद में मैं कुछ खाने वाने की समस्या बता देता था तो निगरानी में रख के हॉस्टल से निकाल दिया मुझे और मारा भी सर मुझे। अच्छा, कुल कितने छात्रों के साथ मारपीट हुई? 4 छात्रों को सर, और एक छात्रों को बहुत बुरी तरीके से मारा था, उसका नाम रंजीत वास्कल है सर, उसको जूते लातन मारी थी सर। ये घटना कब का है? ये सर 11th एंड में हुई थी। अच्छा, इस संबंध में कोई तुमने शिकायत बात करी थी? नहीं करी थी सर, हमने सोचा कोई बात नहीं ऐसा करके हमने छोड़ दिया था रेंदो सर। तो जो मारपीट करी वो अधीक्षक का नाम क्या है? श्री सयाराम नरगावे। सर आपका नाम? मेरा नाम सयाराम नरगावे, अधीक्षक आज सीनियर बालक छात्रावास बड़वानी। सर आप कब से पदस्थ हैं? मैं 2011 से। सर आपके 2017 से। 2017 से सर यहाँ छात्रावास के जो आपके अधीन जो छात्रावास संचालित हो रहा है जी, उसमें कुछ बच्चों ने आप पे आरोप लगाया कि दारू पी के मारपीट करते हैं उनके? नहीं, मैंने आज तक कभी ऐसा दारू पिया भी नहीं है और कभी दारू पी के आया और दारू पीता भी नहीं। और बाकी बात जो व्यवस्था के बारे में बता रहे, शासन की जो व्यवस्था है तो वो तो पूरी व्यवस्था कर ही रहा हूँ मैं, और बाकी जो बची कुची है तो उसमें और सुधार कर लेंगे जो भी है। तो सर इन्होंने बोला कि वो थाली वाली का बोला था, उन्होंने बोला कि तो आपने बोला कि घर से बुलवाया था? नहीं, थाली का क्या है, थाली मैंने इनको सभी बच्चों को दिया था तो किसी ने जमा नहीं की, पूरी थाली भी ले गए, चादर भी सब तोड़ दिए, मतलब पूरा कुछ नहीं जमा करे इन्होंने। अच्छा, इसके अतिरिक्त तो वो छात्रवृत्ति बोले, छात्रवृत्ति जो डलती है? छात्रवृत्ति तो जो भी है 10% काट के डलती है, बाकी जो 10% तेल साबुन के रहते हैं वह वरिष्ठ कार्यालय से होती है। आपके ऊपर जो लगा इल्जाम, इसके बारे में आप क्या कहना, जो आरोप लगा? नहीं, वो निराधार आरोप है और आज तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं, और जो भी शासन की सुविधा है तो हम बराबर सभी बच्चों को देते थे। सर उन्होंने कुछ अच्छा वीडियो फुटेज भी दे रहे हैं? हाँ, मारपीट करते हुए। हाँ, मारपीट तो ये कहीं मेरे को आइडिया नहीं है, सब फालतू की बात है। और अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ, जिन बच्चों का मैंने नाम काटा था पिछले साल, उन्होंने सब रात में आके बच्चों को परेशान कर, रात को 2 बजे ये अपने खिड़की दरवाजे तोड़े, लेटरिन बाथरूम के दरवाजे तोड़े, बिजली बोर्ड सब पूरे फोड़ दिए, बिजली पूरी फोड़ दिए। बस इसी को लेकर मैंने इनको हॉस्टल से जाने कहा था और इन्होंने खुद ने लिख के दिया कि हम हॉस्टल से जा रहे हैं। और बच्चों द्वारा भी इनको लिखित में मुझे मिला है कि ये बच्चे द्वारा कि रात में उत्पाद मचे रात को 2 बजे। नगर मंत्री बड़वानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आज जो आप जो छात्रावास जो अधीक्षक है उसके खिलाफ कोई ज्ञापन वगैरह देने या कोई शिकायत करने गए थे क्या? ज्ञापन तो नहीं दिया था, पर इसी साहब को अल्टीमेटम देने गए थे। विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है हॉस्टलों में, जैसे कि वो नरगावे सर है एसी हॉस्टल में सीनियर बालक छात्रावास में, वहाँ पे बच्चों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है और बच्चों के समस्या का निराकरण के लिए सर पास जाते हैं तो सर ज़्यादा दारू पीकर उनको मारना, उसके बाद में बच्चों को नाश्ता वगैरह हर चीज़ में दिक्कत, पानी की दिक्कत, सभी समस्याओं को लेकर आज एसी साहब को अल्टीमेटम दे के आए कि अगर 3 दिन में समस्या का निराकरण नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद एसी साहब का पुतला जलाएगी, नरगावे सर का भी जलाएगी और कलेक्टर का भी पुतला जलाएगी 3 दिन में अगर वो नरगावे सर सस्पेंड नहीं होता है तो। तो अधीक्षक महोदय क्या शराब पी के मारपीट करते? मारपीट करते, बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, भोजन की समस्या, अनेक प्रकार की समस्या, बच्चे अगर लेके जाते हैं उनके पास तो उनको कमरे में बंद करके शराब पी कर मारते हैं। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट बड़वानी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट।